कमलेश जी, आप बर्थडे हवन में आए हैं आज, बहुत अच्छा है। आपको कैसे लगा आज का अनुभव बर्थडे हवन का? आज का ये जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया हवन, अति आनंदित, मन को सुकून देने वाला, और इतने सुंदर वातावरण में और इतने अच्छे स्थान पे आपने जो आयोजित किया है, उसके लिए संस्था, पुजारी जी, महंत सभी धन्यवाद के पात्र हैं और हमें अति आनंद हुआ है। और विशेष बात यह है कि जिस स्थान पर ये हवन हुआ है वो अयप्पा मंदिर हमारे साथ में सुखद अनुभव जुड़ा हुआ है। हमारे बेटे के पहले हम अयप्पा भगवान के मंदिर में आए थे और उस मंदिर पे जाने के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा आनंद का विषय आपने हमारे सामने उपलब्ध करके दिया। एक क्षण मैं आपका लेना चाहता हूँ, जो आपने कार्यक्रम किया है, कोई भी समाज जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा और महापुरुषों को भूल जाता है, वो समाज समाप्त हो जाता है। आपने ऐसी परिस्थिति में अपने देश को, समाज को, अपने सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा से जोड़ने का जो अद्वितीय कार्यक्रम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये जो आपका पेरेंट्स को कुछ एडवाइस है, पेरेंट्स जो बच्चे बड़े हवन मॉडर्न तरीके से बनाते हैं वो भी बनाएं और साथ में हवन भी में पार्टिसिपेट लें, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके विषय में मेरा ये कहना है, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यदि परिवार परिवर्तन पॉजिटिव हो तो समाज, व्यक्ति सबके हित में है, यदि वो नेगेटिव हो तो सबके लिए दुखद होगा। इसलिए नए जमाने से, नए तरीके से जन्मदिन मनाएं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में अपनी संस्कृति को अपनाएं, उसके साथ में अपने परिवार के संस्कार, समाज के संस्कार को भी याद रखें। ये हमारा सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को अपने हिसाब से भी मनाने दें और उसके साथ में ही अपने धर्म, संस्कृति के हिसाब से भी जन्मदिन मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।